नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी के और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दुर्गा पूजा तो आ ही गया है, आप लोगों को वो पता है। साथ में काल था महालया और आज मैं एक जगह पे आया हूँ गुवाहाटी के मालीगांव एरिया में, जो कि रेस्ट कैंप इसको बोलते हैं, रेलवे के रेस्ट कैंप ये है गुवाहाटी मालीगांव रेस्ट कैंप इसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी सुंदर एक जो डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है, जो कि रेडी है अभी आप लोग बोल सकते हैं। सिर्फ माँ दुर्गा के प्रतिमा यहाँ पे नहीं है, पूरा पेंडल यहाँ पे रेडी है। देख सकते हैं इधर कितना सुंदर एक गेट इन लोगों ने सजाए हैं और डेकोरेशन कैसा है, पेंडल कैसा है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इधर आइए, दिखाता हूँ अच्छे से आप लोगों को। इधर कितना सुंदर एक पेंडल यहाँ पे बनाए हैं इन लोगों ने, सब कुछ मैं डिटेल्स में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इधर देख सकते हैं ये मेन पेंडल है, इधर कलर वगैरह सब कुछ हो चुका है और ऊपर यहाँ पे है शिव जी, साथ में गणेश एंड पार्वती के मूर्ति, और साथ ही में इधर अंदर में और भी कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस तरफ है मेन मंदिर, जो कि साल में अलग टाइम पे भी रहता है, परमानेंट टेंपल मंदिर है ये यहाँ का। और इस तरफ भी कुछ डेकोरेशन इन लोगों ने किए हैं और साथ ही में इस तरफ पूरा डेकोरेशन यहाँ पे किए हैं, लगभग रेडी है ये, दिखाता हूँ आप लोगों को सामने जाके आप। और इधर मेरे साथ ये दोनों हैं, मतलब मोंचिस को तो पहचानते ही आप लोग। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं एंट्री कहाँ से है। इधर से एंट्री है, जो कि इस तरफ पूरा फिश का डिज़ाइन है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेन है और साथ ही में पूरा यहाँ पे फिश यहाँ पे है इस तरफ है। और यहाँ से मेन एंट्री है, देख सकते हैं आप लोग कैसा खूबसूरत डेकोरेशन इन लोगों ने यहाँ पे किए हैं। वाओ, यहाँ पे पूरा एक्वेरियम थीम यहाँ पे है इस तरफ, और साथ ही में यहाँ पे भी एक्वेरियम है। इधर देख सकते हैं आप लोग मछलियाँ भी है इधर छोटे छोटे। देख सकते हैं कैसा यूनिक टाइप का यहाँ पे पेंडल इन लोगों ने बनाया है मालीगांव रेस्ट कैंप पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास है, ये जो है ये पूरा ग्लास है यहाँ पे, और ग्लास के ऊपर जो कि लोग आएंगे यहाँ पे ही रहेंगे और यहाँ पे पूजा यहाँ पे होने वाले हैं। और काफ़ी सुंदर एक यूनिक टाइप का यहाँ पे पेंडल इन लोगों ने बनाए हैं, जो कि आके मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। और भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है, सब कुछ मैं दिखाता हूँ। इस तरफ देख सकते हैं एक्वेरियम है, उस तरफ भी है सामने, और इस तरफ तो माँ की प्रतिमा यहाँ पे पूजा होने वाले हैं, और साथ ही में इस तरफ भी एक्वेरियम है। थीम है इन लोगों ने पूरा मछली के ऊपर, फिश के ऊपर ये थीम इन लोगों ने बनाया है, चारों तरफ एक्वेरियम, साथ ही में यहाँ पे जो कि पानी और साथ ही में जो एक्वेरियम के ऊपर फोकस करके, फिश एक्वेरियम इसके ऊपर फोकस करके इन लोगों ने ये थीम बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा और यूनिक एक थीम है। ये वाला पेंडल देख के बहुत अच्छा लगा। ये मेन मंडप, मैंने जो उस तरफ से भी आप लोगों को दिखाया, ये होगा मंडप का फ्लोर, और साथ ही में वहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति वहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे पूजा के समय एक मेला भी होने वाला है, जो कि इस एरिया में एक छोटा सा मेला यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं इन लोग। यहाँ पे ये मेला भी होने वाला है, देख सकते हैं दुकान वगैरह आ चुके हैं अभी। देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे ढाक पूरा रेडी है यहाँ पे, इस तरफ देख सकते हैं कितना खूबसूरत पूरा एकदम काशफुल डिज़ाइन पे सजाया गया है ढाक को भी यहाँ पे। और इस तरफ है ये मेन मंदिर, जो कि ये
लाइटिंग यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे लाइटिंग है। और इस तरफ है दुकान जो कि मेला इस तरफ होने वाला है, और बहुत ही खूबसूरत एक लाइटनिंग यहाँ पे इन लोगों ने किए है। और यहाँ पे रेस्ट कैंप के पूजा मंडप के पीछे यहाँ पे एक मेला भी होने वाला है। देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर यहाँ पे इन लोगों ने रेडी कर रही, यहाँ पे नागरदला आ गया है। यहाँ पे मेला अभी तो लग चुका है, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले किया था। अभी लगभग पूजा भी शुरू हो गया है और यहाँ पे मेला भी शुरू हो गया है। और साथ ही में यहाँ पे और भी एक गेट इन लोगों ने बनाए हैं जो कि बुर्ज खलीफा के स्टाइल में बनाए हैं, और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा किए हैं। निकल कर आए हैं रेस्ट कैंप से, अभी जा रहे हैं, और मन तो है हम लोगों को जो कि है पांडू, देखते हैं उधर भी जा सकते हैं कि नहीं। देख सकते हैं हम लोग और एक पेंडल पे आ गए हैं जो कि पांडू एरिया में है। पांडू एरिया में यहाँ पे चल रहा है डेकोरेशन जो कि रेडी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। और इस तरफ है ये जो मेन पेंडल, और ऊपर काम चल रहा है देख सकते हैं। अभी हम हैं पांडू बाजार के अंदर, इधर से जाना पड़ रहा है जो कि और एक पांडू का स्पेशल मंदिर है उस तरफ, चलते हैं। चलिए इस तरफ पूरा मार्केट यहाँ पे लग चुका है जो कि पांडू का। यहाँ पे हम लोग आ गए पांडू एरिया के और एक दुर्गा पूजा मंडप पे जो कि यहाँ पे तैयारी चल रहा है पूरा पेंडल का। इस तरफ रेडी हो रहा है पेंडल, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा एकदम काफ़ी सुंदर। और अंदर में कुछ यूनिक यहाँ पे भी है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे ये वाला जो पेंडल है यहाँ पे अंदर में कुछ स्पेशल है। आए हैं पांडू के आज़ादीन क्लब में, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा सा एक माँ की मूर्ति यहाँ पे इन लोगों ने बना रहे हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी यूनिक और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने में। जो कि डेकोरेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत, तैयारी अभी भी चल रहा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग है। तो देखते हैं कैसा और क्या क्या है, पेंडल कैसा है बाहर में वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे चल रहा है देख सकते हैं कलरिंग यहाँ पे, जो कि पेंटिंग यहाँ पे अभी भी चल रहा है इस तरफ, देख सकते हैं। जो कि आज़ादी क्लब में यहाँ पे आज़ादी क्लब के सामने पेंडल के सामने यहाँ पे एक ग्रामोफोन डिज़ाइन में ग्रामोफोन एक बनाया जा रहा है जो कि यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। जो कि यहाँ पे इस तरफ देख सकते हैं ग्रामोफोन जैसा ही पूरा डिज़ाइन इन लोग कर रहे हैं, जो कि अभी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो एक डिज़ाइन होने वाला है। ऐसा मतलब जो यहाँ पे ये जो हो रहा है किस तरीके का पेंडल कम ही होता है ग्रामोफोन, और साथ ही में इतना बड़ा प्रतिमा, और जो आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले दिखाया, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही था गुवाहाटी मालेगांव एंड पांडू एरिया का 2-3 पूजा पेंडल। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को हमारे इस चैनल के तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा।